हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनआर करंट जीके क्लासेज में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे जीडीसी परीक्षा 2023 की। जीडीसी का एग्जाम हुआ था दोस्तों 29 नवंबर 2023 को, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था। अंडर ग्रेजुएट पोस्ट से संबंधित ये पेपर मैं लेके आया हूँ, जिसमें हम जीके और जीएस का पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। कट ऑफ कितनी रहने वाली है ये भी इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, पेपर बहुत ही आसान था। हम दोस्तों पेपर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मैं पेपर ओपन कर लेता हूँ पीडीएफ के रूप में। दोस्तों, यहाँ पर पेपर मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ देखिए दोस्तों, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ जबलपुर, नोटिफिकेशन संख्या 1/2023 से रोल नंबर दिया हुआ है, कैंडिडेट का नाम दिया हुआ है, टेस्ट डेट दी हुई है 29 नवंबर 2023, टेस्ट स्लॉट दिया हुआ है 2, और सब्जेक्ट में देखिए दोस्तों एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। दोस्तों, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट से संबंधित ये एग्जाम था, जिसमें लेवल 2 और 3 की वैकेंसी थी। स्लॉट संख्या 2 का मतलब दोस्तों यहाँ पर है कि फर्स्ट स्लॉट में भी एग्जाम हुआ था, जिसमें ग्रेजुएट पोस्ट थी, लेवल 5 और 6 की पोस्ट थी। यहाँ पर दोस्तों मैथ के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और जीके जीएस के यहाँ पर 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। पूरा पेपर दोस्तों मैं लेके आया हूँ, ये पूरा पेपर आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर दोस्तों आपको जीके और जीएस कराने वाला हूँ, मैथ और रीजनिंग नहीं कराने वाला हूँ। आपको यदि पूरा पेपर मेरा चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके, मेरा टेलीग्राम चैनल एनआर करंट जीके क्लासेज के नाम से है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कई पीडीएफ दोस्तों मैंने वहां पर डाली हुई है, तो आप सभी पीडीएफ वहां पर देख सकते हैं। हम सीधा दोस्तों जो जीके के क्वेश्चन है 61 नंबर से दोस्तों ये 40 है चालू है। फर्स्ट में यहाँ पर दोस्तों मैथ कराई गई थी, उसके बाद रीजनिंग 30 क्वेश्चन, 30 के बाद दोस्तों 61 नंबर से यहाँ पर जीके जीएस दिया हुआ है। तो हम दोस्तों 61 नंबर जो क्वेश्चन नंबर है, 61 नंबर सबसे फर्स्ट में देखिए दोस्तों, 61 नंबर यहाँ पर है, आपको दिखाई दे रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिल्म निर्माण और स्क्रीनिंग से संबंधित IMAX का विस्तार क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या दिया है कैंडिडेट ने और करेक्ट आंसर क्या माना है, ये भी हम बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर है, रेलवे द्वारा माना गया है बी आंसर है, इमेज मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों नॉट आंसर्ड है, कैंडिडेट ने यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं किया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 62 नंबर, APEDA का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों APEDA का फुल फॉर्म है ऑप्शन बी देखिए दोस्तों, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहाँ पर कैंडिडेट का आंसर भी दोस्तों बी दिया हुआ है, तो इसका मतलब दोस्तों ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सर सीवी रमन को किस वर्ष भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। तो दोस्तों सही जो आंसर है 1930 इसका सही आंसर है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, या कैंडिडेट द्वारा भी डी आंसर दिया हुआ है। सीवी रमन को दोस्तों 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और क्यों दिया गया था ये भी बात कर लेते हैं। तो पारदर्शी जो वस्तु है के बीच से यदि प्रकाश की किरण गुजरती है तो उसको तरंग, उसकी जो तरंग धर है उसमें बदलाव आ जाता है, इसके लिए उनको 1930 में ये नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर, बेंगलोर ब्लूज चैलेंज कप किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों ये ऑप्शन बी सही आंसर है, बास्केटबॉल से संबंधित है। दोस्तों बास्केटबॉल की बात करें तो इसमें कौन कौन से कप और ट्रॉफी आते हैं, तो दोस्तों नेहरू कप भी बास्केटबॉल से संबंधित है। अगर बात करें दोस्तों फेडरेशन कप, ये भी दोस्तों बास्केटबॉल से संबंधित है। ट्रॉफी की बात करें तो गोल्ड ट्रॉफी और होलकर ट्रॉफी, ये भी दोस्तों बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 65 नंबर है, एक जलवायु प्रतिरूप को दिया गया नाम और पूर्वी पैसिफिक महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने का वर्णन करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी एलनीलो। यहाँ पर कैंडिडेट ने आंसर नहीं किया है, एलनीलो एक गर्म जलधारा है। दोस्तों पूरा पेपर मैंने इसलिए नहीं कराया कि काफी लंबी वीडियो बन जाएगी, आप दोस्तों मैथ और रीजनिंग में थोड़ा समय लगता है, इसलिए वीडियो काफी लंबी बनेगी। मैं यहाँ पर केवल जीके जीएस करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर देखिए 66 नंबर है, चाणक्य की शिक्षा कहाँ हुई। चाणक्य जिसका दूसरा नाम विष्णु गुप्त भी था, उसकी शिक्षा दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, तक्षशिला। चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं, और इनकी दोस्तों एक पुस्तक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक दोस्तों अर्थशास्त्र इनकी एक पुस्तक है, राजनीति से संबंधित है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कैंडिडेट ने आंसर नहीं किया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2022 में भूकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों 2022 का जो भूकर पुरस्कार है वो ऑप्शन सी में देखिए, सेहान करुणालत का को ये पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन सी यहाँ पर दोस्तों सही है। अगर हम 2023 के भूकर पुरस्कार की बात करें, 2023 के, तो दोस्तों ये पॉल पिंच को, पॉल
लिंच को ये अवार्ड दिया गया है, पॉल लिंच को ये अवार्ड दिया है। और क्यों दिया है दोस्तों, प्रॉफिट सॉन्ग के लिए आयरिश लेखक हैं, 2023 का इनको पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, 68 नंबर है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस सम्राट ने करवाया, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, शाहजहां। शाहजहां द्वारा और भी कई मस्जिदें किले बनवाए गए थे, जैसे लाल किला दिल्ली में, आगरा किला ये आगरा में, मोती मस्जिद आगरा में, जामा मस्जिद दिल्ली और ताजमहल आगरा, इस प्रकार से इन्होंने निर्माण करवाए थे। सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 69 नंबर, आपको महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलेगा, तो ऑप्शन सी में अंडमान निकोबार में। दोस्तों ये महात्मा गांधी समुद्री उद्यान स्थित है, कैंडिडेट ने आंसर नहीं किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान किस क्षेत्र का सुल्तान था, मैसूर इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है जो कैंडिडेट ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सद्यति पुस्तक जिस फिल्म पर बनी के किसके द्वारा लिखी गई है, तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, प्रेमचंद, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रेमचंद द्वारा दोस्तों और भी कई पुस्तकें लिखी हुई हैं, जैसे सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, गोदान, गबन। अगर हम दोस्तों प्रेमचंद के प्रथम उपन्यास की बात करें, तो ये उपन्यास दोस्तों 1990 में सेवा सदन के नाम से, सेवा सदन के नाम से दोस्तों इन्होंने ये उपन्यास लिखा था। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, 72 नंबर, हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है, तो दोस्तों ऑप्शन सी में देखिए, बृहस्पति सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है। अगर बात करें दोस्तों सबसे धीमे ग्रह की, कि धीमे ग्रह जो ग्रह है वो कौन सा है, तो धीमा ग्रह दोस्तों सबसे शुक्र है, जो शुक्र है ये 224.7 दिन में एक परिक्रमा करता है। और बृहस्पति की बात करें तो दोस्तों ये मात्र 10 घंटे में अपनी परिक्रमा पूरा कर लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 73, आपको भारत में हजारा राम मंदिर कहाँ मिलेगा, तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है ऑप्शन ए है, हम्पी जो कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 74, अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, नई दिल्ली में। अगर बात करें दोस्तों अरुण जेटली स्टेडियम का जो पूर्व नाम था, पुराना नाम था, वो दोस्तों था उसका फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला के नाम से दोस्तों ये स्टेडियम था, जिसका नाम बदलकर अभी अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है, जो नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 75, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो सही आंसर ऑप्शन डी बॉम्बे, मुंबई में, जो जुहू के नाम से स्थित है, जुहू के नाम से ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 76 नंबर, एक मानव क्रोमोसोम प्रोटीन और के एक अणु से बना होता है, खाली जगह में हमको भरना तो था इसमें, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, डीएनए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म होती है डीएनए की। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में पहला मुगल शासक कौन था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है बाबर, बाबर द्वारा दोस्तों 1526 में मुगल वंश की स्थापना की थी, तो पहला जो शासक था मुगल बाबर ही था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रेवोल्यूशन 2020 एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं दोस्तों ऑप्शन सी चेतन भगत, यहाँ पर कैंडिडेट ने आंसर नहीं किया है। अगर दोस्तों हम चेतन भगत की अन्य पुस्तकों की बात करें, तो उनकी कई सारी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, जिसमें हाफ गर्लफ्रेंड दूसरी पुस्तक थी दोस्तों, दी थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ है, और उनका अगर पहले उपन्यास की बात करें तो 5 पॉइंट संबन, 5 पॉइंट संबन ये इनका पहला उपन्यास था। इसका आंसर दोस्तों आपको बता दिया है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का पहला मराइन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, कच्छ क्षेत्र में भारत का पहला मराइन नेशनल पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 80 नंबर, समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स ओटीटी सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, रिची मेहता, लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट ने आंसर नहीं किया है। अगला देखिए दोस्तों, 81 नंबर, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, ऑप्शन ए इसका देखिए दोस्तों सड़क मार्ग से संबंधित है, करेक्ट आंसर है ए, लेकिन कैंडिडेट ने यहाँ पर ऑप्शन बी चुना है, जल मार्ग, जो कि गलत है। आपको दोस्तों पता होगा कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, तो यहाँ पर दोस्तों कैंडिडेट का नंबर 1/3 काट लिया जाएगा, जो गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि पर हस्ताक्षर करके समाप्त हुआ, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, श्री रंगपट्टनम की संधि, ऑप्शन सी, कैंडिडेट ने यहाँ पर आंसर नहीं किया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंजुनिटी उस हेलीकॉप्टर का नाम है जिसने अंतरिक्ष में किस ग्रह पर उड़ान भरना शुरू किया, तो दोस्तों मार्स इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी मंगल इसका सही आंसर है, लेकिन कैंडिडेट ने यहाँ पर आंसर नहीं किया है, कैंडिडेट ने दोस्तों इसका आंसर यहाँ पर नहीं किया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों के दौरान किस भाषा का प्रयोग किया? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है जो कैंडिडेट ने दिया है, पाली भाषा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के आंतरिक और सौर वातावरण के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है फोटोस्फीयर, लेकिन कैंडिडेट ने ऑप्शन डी चुना है ट्रोपोस्फीयर, जो गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, SPHERE मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये स्पेस एक्स है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है स्पेस एक्स है, जो एलन मस्क की एक कंपनी है स्पेस एक्स है, इसके द्वारा दोस्तों ये मिशन लॉन्च किया है। 87 नंबर देखिए दोस्तों, टेबल माउंटेन किस देश में स्थित है? तो सी इसका सही आंसर है दक्षिणी अफ्रीका, कैंडिडेट ने आंसर नहीं किया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अभिनव बिंद्रा ने किस विशिष्ट श्रेणी में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर देखिए आप, 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर राइफल। दोस्तों काफी कैंडिडेट यहाँ पर कंफ्यूज हो गए थे कि 10 मीटर एयर पिस्टल लगाएं या 10 मीटर एयर राइफल। सबको पता दो दोस्तों, 10 मीटर में उन्होंने जीता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 10 मीटर एयर राइफल। दोस्तों ये सिडनी ओलंपिक था, सिडनी ओलंपिक था 2000 में, 2000 में सिडनी ओलंपिक हुआ था, जिसमें इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। 80 नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 80 नंबर में देखिए, 89 नंबर में आरटीपीसीआर मेडिकल टेस्ट में पीसीआर का फुल फॉर्म यहाँ पर बताना था, ऑप्शन सी देखिए दोस्तों, पॉलीमरेज रेस चैन रिएक्शन, ऑप्शन सी सही है, कैंडिडेट ने यहाँ पर आंसर नहीं किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमर सेन ने किस वर्ष अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है 1998, 1998 में इन्होंने ये नोबेल पुरस्कार जीता। इन्होंने इनको दोस्तों भारत रत्न भी दोस्तों इनको मिला है, और भारत रत्न दोस्तों 1999 में इनको भारत रत्न दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 91, व्योमित्र कौन या क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही आंसर है इसरो का ह्यूमाइड रोबोट। दोस्तों इसरो की बात करें तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मुख्यालय यहाँ पर दोस्तों बेंगलोर में है। अगर स्थापना की बात करें तो दोस्तों 1969 में इसकी स्थापना हुई, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 92 नंबर है, विशिष्ट सेल में संदर्भ को लॉक या ठीक करने के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए थे, तो ये पहला क्वेश्चन कंप्यूटर का, यहाँ पर डेल्टा जो बी ऑप्शन सही है, ये इसका सही आंसर है, कैंडिडेट ने आंसर नहीं किया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विंडोज में टास्क बार में सभी खुले एप्लीकेशंस के बीच स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों एल्टर प्लस टैब दबाने पर जो विंडोज में जितने भी टास्क बार खुले हुए हैं, एप्लीकेशंस खुली हुई हैं, उनको स्विच करने के लिए एल्टर प्लस टैब, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी वर्ड में डॉक्यूमेंट में मौजूदा सारा कंटेंट एक साथ कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस डी और कंट्रोल प्लस एस दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर है ए, यहाँ पर कंट्रोल प्लस ए का मतलब होता है ऑल सेलेक्ट, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पूछा है एक साथ कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस सी यूज होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पहले कंट्रोल प्लस ए करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस ए करने के बाद ऑल सेलेक्ट होगा और उसके बाद कंट्रोल सी करना पड़ेगा, तो आंसर इसका ए इसका सही है। 95 नंबर देखिए दोस्तों, 95 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, प्रिंटर। प्रिंटर दोस्तों आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, कैंडिडेट ने डी आंसर दिया है जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी पदार्थ को बिना तरल अवस्था बनाए सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है सब्लिमेशन, या दोस्तों ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जैसे कपूर, कपूर दोस्तों सीधा ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, इसी को दोस्तों ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, कैंडिडेट ने आंसर नहीं किया है। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, एटीपी मॉलिक्यूल्स में निर्मित होते हैं? दोस्तों जो एटीपी होते हैं कहाँ पर निर्मित होते हैं? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 99, पुराने पेड़ों की छालों पर दिखाई देने वाले छोटे छोटे छिद्रे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए दोस्तों लेंटी सेल्स कहलाते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर है जो कैंडिडेट ने भी किया है। अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, एक पौधे में क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद रंगहीन तरल है? ऑप्शन सी स्ट्रोमा, कैंडिडेट ने यहाँ पर आंसर नहीं किया है।
दोस्तों इसकी पूरी पीडीएफ जो पूरा पेपर है मैथ और रीजनिंग मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल दी है। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जहां से आप लिंक पर क्लिक करने पर सीधा टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे और ज्वाइन करने के बाद दोस्तों आपको जो पेपर से संबंधित पीडीएफ है, दो तीन पीडीएफ और भी डाली हुई है, तो वो सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी के लिए धन्यवाद।